नमस्कार दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम स्टोरेज डिवाइस, जिसे मीडिया स्टोरेज भी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। स्टोरेज डिवाइस ऐसे हार्डवेयर हैं जिसमें सूचनाओं और डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। ये कंप्यूटर से बाहरी और आंतरिक तौर से भी जुड़े होते हैं। नेटवर्क अटैच स्टोरेज भी इसी के तहत आने वाला एक भाग है। इसे NAS यानी नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज कहते हैं। NAS फाइल स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि एक सर्वर की तरह कार्य करता है। कंप्यूटर के जरिए जुड़े होने के कारण इस स्टोर से अलग अलग यूजर द्वारा भी डाटा एक्सेस किया जा सकता है। NAS नेटवर्क से जुड़ी हुई ऐसी प्रणाली है जो सेल्फ सफिशियंट कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा ये उपयोग में आसान, लागत में सस्ता, डेटा के बैकअप में आसान होता है और ये डेटा को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करता है और ये भरोसेमंद भी है। हार्ड ड्राइव की कॉन्फ़िगरेशन। कंप्यूटर को इसके पावर सोर्स से प्लग ऑफ करके इसके सभी केबल्स को अलग कर दें। ड्राइव बे को एक्सेस करने के लिए हार्ड ड्राइव पैनल को स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालें। मदरबोर्ड से जुड़े सभी केबल्स को अलग करें, साथ ही ये सुनिश्चित करें कि पावर सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। ड्राइव को केस में अच्छी तरह लगाएं और हार्ड ड्राइव पैनल के पिछले हिस्से के स्क्रू को कस दें। मदरबोर्ड के साटा पोर्ट को ड्राइव पोर्ट के साथ कनेक्ट करें। IED केबल की मदद से मदरबोर्ड को IED ड्राइव से जोड़ें। पावर सप्लाई के साथ केस को जोड़ें और केस को रीअसेंबल करें। कंप्यूटर को ऑन करें और उसे ड्राइव को डिटेक्ट करने दें। ड्राइव को यूज करने से पहले फॉर्मेट कर दें। याद रखें, नेटवर्क इंस्टॉलेशन एक बारीक तकनीकी पक्ष है जिसे बेहद कुशलता से अंजाम दिए जाने की जरूरत है। इसीलिए कुशलता की इन बारीकियों को समझिए और चुनौतियों से बेहतर तरीके से और सावधानी पूर्वक निपटिए। इससे कार्य स्मूथ होता है, कार्य प्रदर्शन बेहतर होता है और कस्टमर संतुष्ट रहता है और यही आपकी सफलता है। दोस्तों, इस वीडियो मॉड्यूल में हम नेटवर्क और स्टोरेज के लिए फील्ड टेक्नीशियन से संबंधित कार्यों के बारे में जानेंगे। इसे FTNS यानी फील्ड टेक्नीशियन नेटवर्क एंड स्टोरेज कहते हैं। इसके तहत सबसे पहले हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को समझेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस ऐसे पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर को नेटवर्क में और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो नेटवर्क में पहले से हैं उन्हें आपस में साझा करता है। ऐसे शेयर्ड डिवाइसेस या संसाधन प्रिंटर, फैक्स मशीन, डाटाबेस सर्वर आदि जैसी चीजें हो सकती हैं। ऐसे उपकरणों को अच्छे से कार्य करने के लिए ये जरूरी है कि वे अच्छे से कन्फिगर हों और इस्तेमाल से पहले अच्छे से इंस्टॉल हों। ये रास्ता डेटा पैकेट के जरिए मिलता है जो कि सोर्स से लक्ष्य यानी डेस्टिनेशन तक दो कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक सिंगल केबल के रूप में अथवा एक जटिल नेटवर्क के रूप में हो सकता है। इस नेटवर्क को सपोर्ट करने वाली प्रणाली नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये कम्युनिकेशन चैनल को स्थिर और भरोसेमंद बनाए रखता है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में तीन भाग होते हैं। एक, एंड डिवाइसेस, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। इसे होस्ट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क में संदेश या सूचना भेजे जाने के लिए ये सोर्स या डेस्टिनेशन दोनों में से कोई एक हो सकता है। नेटवर्क प्रिंटर्स, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, मोबाइल डिवाइसेस के तहत आने वाले टैबलेट, स्कैनर, PDA इसके अंतर्गत आते हैं। दो, इंटरमीडिएट डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए ये उत्तरदायी है और ये नेटवर्क में डाटा के प्रवाह को कायम रखता है। ये होस्ट से नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ये होस्ट एड्रेस के साथ साथ नेटवर्क के इंटरकनेक्शन की सूचनाओं को सही पाथ के माध्यम से भेजता है। तीन, मीडिया डिवाइसेस, ये नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने का पाथ या चैनल प्रदान करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूचनाओं को इनकोड भी करता है। डिवाइसेस और मीडिया नेटवर्क के भाग होते हैं। वहीं नेटवर्क के हार्डवेयर के भागों में वायरलेस एक्सेस पॉइंट, स्विच राउटर, केबल आदि आते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन वो प्रक्रिया है जिससे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क के फ्लो, उस पर नियंत्रण
और इंटरनेट संबंधी संचार को समर्थन देता है। स्विच के इंस्टॉलेशन से पहले ये जरूरी है कि हम इसके सभी भागों की जांच परख कर लें जो किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होने हों। ऐसे स्विच में कंसोल केबल, नेटवर्क स्विच, पावर कॉर्ड, इंस्टॉलेशन गाइड बुकलेट आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। कंसोल केबल को स्विच के कंसोल पोर्ट के साथ कनेक्ट करें। अगर कंसोल पोर्ट नहीं है तो स्विच के आईपी एड्रेस को जानें। कंसोल केबल के दूसरे भाग को कंप्यूटर के कॉम पोर्ट से जोड़ें। स्विच को उपयुक्त बनाने के लिए कंप्यूटर में हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। अब आती है राउटर के इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगर करने की बारी। नमस्कार दोस्तों, पिछले मॉड्यूल में हमने नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जाना था। इस वीडियो मॉड्यूल में हम नेटवर्क और स्टोरेज के लिए फील्ड टेक्नीशियन से संबंधित कार्यों के बारे में जानेंगे। इसे FTNS यानी फील्ड टेक्नीशियन नेटवर्क एंड स्टोरेज कहते हैं। इसके तहत हम राउटर के इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। राउटर के पैकेज में ड्राइवर CD, इंस्टॉलेशन गाइड बुकलेट, नेटवर्क राउटर, ईथरनेट केबल, पावर कॉर्ड आदि आते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरना होता है। इसके लिए सबसे पहले ईथरनेट केबल के एक भाग को मॉडम में लगाएं। नया कनेक्शन स्थापित करने के लिए मॉडम को बिजली के कनेक्शन से अलग करें। राउटर के लैन पोर्ट और कंप्यूटर के बीच ईथरनेट केबल को कनेक्ट करें। राउटर के आईपी एड्रेस को सर्च करें। मॉडम के सेटअप के लिए इंटरनेट हेतु वेब ब्राउजर या CD का उपयोग करें। यूजर के इस्तेमाल के लिए वायरलेस राउटर का यूजर नेम और पासवर्ड सेट करें। इसी तरह मॉडम के इंस्टॉलेशन के लिए ईथरनेट केबल, मॉडम, पावर कॉर्ड, फिल्टर्स, फोन केबल आदि की जरूरत होती है। इसे इंस्टॉल करने के लिए फिल्टर और फोन लाइन के बीच एक कनेक्शन स्थापित करें। मॉडम के स्विच को ऑन करें। मॉडम के एक पोर्ट को केबल से फिल्टर के साथ जोड़ें। मॉडम को कंप्यूटर के ईथरनेट केबल से जोड़ें। CD ड्राइवर या वेब ब्राउजर की मदद से इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करें। सिग्नल को चेक करें और कनेक्शन को सत्यापित करें। इसी तरह फायरवॉल के इंस्टॉलेशन के लिए हमें लैन केबल, फायरवॉल हार्डवेयर और पावर अडॉप्टर की जरूरत होती है। इसके बाद ISP लाइन को फायरवॉल के वैन पोर्ट से कनेक्ट करें। अब लैन केबल की मदद से फायरवॉल के एक लैन पोर्ट से स्विच पोर्ट को जोड़ें। पावर कोर्ड को फायरवॉल से जोड़कर इसे ऑन करें। इंटरनेट कनेक्शन सेट करें और फायरवॉल का आईपी एड्रेस निकालें। अब आती है स्टोरेज डिवाइसेस के तहत मीडिया स्टोरेज के बारे में जानने की बारी, जिसके बारे में हम अगले वीडियो मॉड्यूल में जानेंगे।